नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT Neo 3 5G 150W All Limited Edition versus OnePlus 10R 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Neo 3 5G 150W All Limited Edition में 2.98 इंच जबकि 10R 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Neo 3 5G 150W All Limited Edition में 188 ग्राम जबकि 10R 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Neo 3 5G 150W All Limited Edition में AMOLED जबकि 10R 5G में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:1:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Neo 3 5G 150W All Limited Edition में 87.79% जबकि 10R 5G में 87.9% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Neo 3 5G 150W All Limited Edition में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 10R 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Neo 3 5G 150W All Limited Edition में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 10R 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Neo 3 5G 150W All Limited Edition में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 10R 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 5 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G610MC6 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Neo 3 5G 150W All Limited Edition में MediaTek Dimensity 8100 और 10R 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max मिलता है। बात करें RAM की तो Neo 3 5G 150W All Limited Edition में 12GB की RAM मिलती है, जबकि 10R 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Neo 3 5G 150W All Limited Edition में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 10R 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Neo 3 5G 150W All Limited Edition में 4500mAh जबकि 10R 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Neo 3 5G 150W All Limited Edition में 1 कलर्स जबकि 10R 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
न्यू 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 10R 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 38,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme GT Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus 10R 5G की तो उसमें 6 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 10R 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT 5G है, दूसरा OnePlus 10 Pro 5G है, तीसरा Xiaomi Mi 12 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT Master Edition 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।